नागपुर मेट्रो के फेज वन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब दानवे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले और मान्यवर उपस्थित थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन और मध्य भारत की पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। पूरे वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों की संख्या फुल रही। यह ट्रेन नागपुर से बिलासपुर के बीच अप डाउन दो फेरे में करेगी। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन 16 कोच के साथ रवाना हुई। ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित होने के साथ ही इसमें यात्रियों के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में कई खासियत है। इसमें गेट बंद होने के बाद ही ट्रेन चलना शुरू होगी और ट्रेन रुकने के बाद गेट खुल जाएगा। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ट्रेन में इंटरनेट की सुविधा है। वाईफाई के जरिए मोबाइल फोन या टैबलेट का उपयोग यात्री कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में चेयर घूमेगी और यात्री अपने चेयर घुमाकर ट्रेन से बाहर नजारा देख सकेंगे। एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्री अपने चेयर को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी चाहे तो खिड़की की ओर भी मुंह करके सीधे बैठ सकते हैं। साथ ही इसके दरवाजे ऑटोमेटिक बनाए गए हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का इंजन भी खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें कोच का निर्माण यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है, लेकिन इसका इंजन कैबिन अलग कोच में है। इंजन मेट्रो एवं बुलेट ट्रेन के समान है। पूर्ण रूप से ये स्वचालित ट्रेन है। इस ट्रेन की कोच वातानुकूलित है और चेयर कार है। इसमें इमरजेंसी के लिए काफी मजबूत और भरोसेमंद मशीन लगाई गई है, जिससे ब्रेक लगते ही ट्रेन रुक जाएगी। इससे पीछे का धक्का भी नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेन पलटने की संभावना नहीं के बराबर ही होगी। फिलहाल हम हैं नागपुर के रेलवे स्टेशन पर और आप ये देख रहे हैं, ये वो ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये नागपुर से बिलासपुर जाने वाली है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इससे हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद ये बिलासपुर के लिए रवाना होगी। वंदे भारत ट्रेन निर्माण होने के बाद सीधे बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर के लोको शेड में रखकर पूरे तरीके से जांचा और परखा गया, जिसके बाद आज इसे जो है हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें करीबन 16 कोच है, 14 जिनमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव चेयर कार शामिल है। बैठने की कुल क्षमता इसमें 1128 सीटों की है। हमें पता है कि बिलासपुर, नागपुर से बिलासपुर जाने में जो पहले समय लगता था, उससे कम समय में 4 से 5 घंटे में ये जो ट्रेन है आपको बिलासपुर पहुंचाएगी। आइए देखते हैं कि अंदर, देखिए ये हम ट्रेन में आ गए हैं। यहाँ की ये जो सिटिंग अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, ये जो है एग्जीक्यूटिव चेयर सिटिंग है। यहाँ पे मूवेबल ये यहाँ की सिटिंग अरेंजमेंट है। आप देख पा रहे हो कि एकदम कम्फर्टेबल ये जो सिटिंग अरेंजमेंट दी गई है यहाँ पे, ये मूवेबल चेयर अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये मूव होती है 180 डिग्री के, इसमें ये मूव होती है। आप देख पा रहे हो इस तरह से ये मूव होती है। यही नहीं, ऐसे भी आप यहाँ पे बैठ सकते हो, एकदम कंफर्टेबल ये सीट है। आप देख पा रहे हो इसके साथ ही यहाँ पे जो है विंडोज़ के लिए यहाँ बटन्स दिए गए हैं, यहाँ लाइट भी लगता है। यही नहीं, यहाँ पे चार्जर की जो अरेंजमेंट है, यहाँ चार्जर लगाने के लिए भी यहाँ दिया गया है। इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग के पास ही अपना चार्जर आप लगा सकते हो। ये जो कोच है इसमें एग्जीक्यूटिव चेयर दिए गए हैं, 52 सीट्स करीबन यहाँ पे है और दूसरी कोच में 78 सीट्स दिए गए हैं। आप देख पा रहे हो आज जो है ये बिलासपुर के लिए दौड़ेगी हरी झंडी, प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे, उसके बाद ये बिलासपुर के लिए दौड़ेगी। यहाँ हमारे साथ जो कुछ पत्रकार भी है जो खास इस ट्रेन का मतलब आज सफ़र तय करने वाले हैं। सर क्या बताओगे? इसका किराया भले ठीक है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यात्रियों को एक अतिरिक्त ट्रेन मिलने जा रही है। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में क्या बताओगे? बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट है, ऐसा ट्रेन के में तो पहली बार देखने आ रही है कि आगे पीछे सीट का सब हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है सब। बहुत ही अच्छी ट्रेन है, अभी तक इतनी लग्जीरियस ट्रेन इस रूट पर नहीं थी। इससे एक नया जो है अनुभव मिलेगा यात्रियों को, खासतौर से छत्तीसगढ़ के लोगों को। यहाँ के हब सेंटर के रूप में भी नागपुर है, तो बिलासपुर राज दूर गोंदिया के बहुत सारे लोग इधर इलाज कराने के लिए भी आते हैं, तो उनको काफ़ी एक
बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा जरूर। बिल्कुल, जो है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की दूरी कम होने में भी ये ट्रेन जो है एक मुख्य भूमिका भी निभाएगी। और भी हमारे साथ पत्रकार है आज ये सफ़र तय करने वाले हैं। क्या बताओगे आज आप वंदे भारत एक्सप्रेस से बिलासपुर तक का सफ़र तय करने वाले? खूब छान गाड़ी है आणि नेहमी गाडीमध्ये एक हे सिस्टम लावलेला असते की चेन पुलिंगचा, परंतु ह्या गाडीमध्ये अशी व्यवस्था केलेली आहे चेन पुलिंगची की याला टच करा, याला टच करा आणि अलार्म असते। चेन पुलिंगसाठी असा हे साखळी ओढण्याची गरज नाही, एक सेंसर लाइट लावला आहे तिथे की आपला असा सेंसरमुळे, सेंसर ही म्हणजे नवीन पद्धत ह्या गाडीमध्ये आहे आणि अतिशय कम्फर्टेबल अशा चेअर आहेत तिथे आणि कुणालाही एकदम खूप आनंद येईल प्रवासाचा ह्या पद्धतीनं ह्या गाडीची रचना करण्यात आलेली आहे, त्यामुळे प्रवास करणाऱ्याला नक्की आनंद येईल। खूप बरं वाटत आहे पहिल्यांदा वंदे भारत या ट्रेनमध्ये येऊन सनी आणि मुळात सकाळपासून आम्ही आलो आहोत इथं आणि येत्या 10-15 तासात गाडी सुटण्याचा उत्सुकता आहे गाडी सुटण्याची पाहून। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवी झेंडी दाखवल्यानंतर किती वेळात आम्ही पोहोचू बिलासपूरला वगैरे? तो जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो है पूरी मॉडिफाई ये ट्रेन है, हम देख रहे हैं कि सेंसर यहाँ पे है, पुलिंग का जो पहले मामले आते थे वो अब बंद हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है एक बटन दिया गया है, वहाँ से आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलार्म जो है वो गाड़ी खड़ी करने के लिए पहले चेन पुलिंग होती थी वो अब नहीं होगी। आप देख पा रहे हो यहाँ एक बटन दिया गया है, लाइट है, यहाँ हम देख पा रहे हैं सेंसर है, ये सेंसर मतलब लाइट बंद है या पहले जो हमारा मतलब ट्रेन में हम देखते थे नॉर्मल ट्रेन में लाइट लगता है नहीं लगता है बटन ख़राब रहता है, ये वाला जो प्रॉब्लम्स रहता है ये यहाँ नहीं है। सेंसर के साथ ये ट्रेन जो है बन चुकी है पूरी, सेंसर जो यहाँ के सिस्टम है डोर सिस्टम ये भी सेंसर वाले हैं, सेंसर के हिसाब से वो खुलते हैं बंद होते हैं। और आपने सिटिंग अरेंजमेंट देखी, ये पूरी ट्रेन जो है अब ये बनकर तैयार है, इसकी ट्रायल भी हो चुकी है और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी इसे हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद ये बिलासपुर के लिए दौड़ेगी। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है किस तरह से सिस्टम, इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट भी दिया गया है, यहाँ देख पा रहे हो पुश टॉक माइक वेट टॉक ये सब यहाँ पे है, पूरी तरह से ये अभी दौड़ने के लिए तैयार है, बस प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाए। तो लोग जो है यात्रा करने के लिए भी हमें उत्सुक दिखाई दे रहे हैं, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे काफ़ी यात्रियों की भी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है और जो यंगस्टर हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं कुछ वो भी बहुत उत्सुक दिखाई दे रहे हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए। देखिए तो देखिए नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे हैं, सब जो यात्री है ये जो है तय सफर के लिए भी तैयार है और उत्सुक भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन अमोल तुमसरी के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।